नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीटी जगदीश। मैं एक वेट लॉस डाइट कंसल्टेंट हूँ और लोगों का वेट कम कराता हूँ। जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही हाई है उनका शुगर लेवल मैं कम कराता हूँ, वो भी नॉर्मल और नेचुरल और हेल्दी होममेड डाइट के साथ। और मैं अपने चैनल पे कई अलग अलग प्रकार के वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो मटर के बारे में था, जिसके अंदर मैंने मटर की न्यूट्रिशन वैल्यू और बेनिफिट और तासीर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसी वीडियो को देखते हुए मेरे एक व्यूअर ने कमेंट कर दिया कि सर, डायबिटिक पेशेंट मटर खा सकता है या नहीं खा सकता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम जान लें कि मटर हम ताजा फॉर्म में भी खाते हैं, मतलब फ्रेश मटर भी खाते हैं और ड्राई फॉर्म में भी खाते हैं। जो सूखा मटर होता है जिसे हम सोक करके सब्जी बनाते हैं या हम खाते हैं, दोनों के जो बेनिफिट है लगभग सिमिलर हो सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है बेनिफिट के अंदर, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, मतलब फ्रेश मटर की, ताजा मटर की और ड्राई मटर की, दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। खास करके जो फाइबर होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है और कैलोरी होता है, इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। ताजा मटर के हम वाटर कंटेंट की अगर बात करें, मतलब मॉइस्चर की बात करें, तो लगभग 70 ग्राम के आसपास या 72 ग्राम के आसपास हमें मॉइस्चर मिलता है। लेकिन जो ड्राई मटर होता है, इसके अंदर हमें सिर्फ 9 ग्राम के आसपास हमें वाटर कंटेंट मिलता है। मतलब जब भी हम ड्राई पीज या जो भी मटर है इसको अगर हम इस्तेमाल करना है तो इसको सोक करना है, उसके बाद हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपका वाटर कंटेंट इसके अंदर का बढ़ सकता है। लेकिन जो फ्रेश मटर होता है, इसके अंदर हमें अच्छा खासा वाटर मिल जाता है। अगर हम इसके फाइबर की बात करें तो इसके अंदर लगभग 6.2 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिल जाता है ताजा मटर के अंदर, और ड्राई के अंदर हमें लगभग 17 ग्राम के आसपास फाइबर मिलता है। फैट की अगर बात करें तो हम ना के बराबर फैट होता है। और अगर हम इसकी प्रोटीन की बात करें तो ताजा मटर के अंदर हमें लगभग 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है और ड्राई फॉर्म के अंदर हमें मिलता है लगभग 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। मतलब ड्राई मटर के अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है। और हम सब लोग जानते हैं, प्रोटीन और फाइबर का अगर स्तर संतुलित है तो डायबिटिक पेशेंट की थकान दूर हो सकती है, इनको ऊर्जा मिलती है, ये लोग एक्टिव रह सकते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की बात करें तो ताजा मटर के अंदर हमें लगभग 11 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वही ड्राई फॉर्म के अंदर हमें लगभग 48 से लेकर 50 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कैलोरी की बात करें तो ताजा मटर के अंदर बहुत कम कैलोरी होती है, लगभग 80 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिलती है। वही ड्राई फॉर्म जो होता है, मतलब ड्राई मटर जो होते हैं, पीस होते हैं, इसके अंदर हमें लगभग 300 ग्राम के आसपास कैलोरी मिलती है। मतलब ड्राई जो फॉर्म है ये ज्यादा कैलोरी दे रहा है और जो ताजा मटर है ये लो कैलोरी दे रहा है। लो कैलोरी और लो कार्बोहाइड्रेट ये हमारा पाचन को स्लो करता है, हमारे डाइजेशन को स्लो करता है, और इसी कारण जो हमारा शुगर लेवल ये कंट्रोल में रहता है। और सबसे मेन होता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर लो ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक लोड। ये जो है मटर है, ये मटर लो ग्लाइसेमिक लोड है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 48 ग्राम के आसपास हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलेगा और 5.3 के आसपास हमें इसका लोड मिलेगा। तो ये लो होने के कारण और साथ में इसके अंदर ढेर सारा पोटेशियम होने के कारण ये ना ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको लो ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक लोड या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड है ये खाने की सलाह दी जाती है। और ये जो मटर है ये सिर्फ लो ग्लाइसेमिक नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमें विटामिन ए मिल जाता है, सी मिल जाता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 इसके अंदर होता है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, और इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें ना डायबिटिक पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है। किसी भी फॉर्म में इसे खा सकते हैं। पोहे जो होते हैं उसके अंदर आप इसे डाल के खा सकते हैं, या आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, कॉलीफ्लावर के साथ सब्जी बना सकते हैं, या ब्रोकली के साथ बना सकते हैं, और जो हमारा पत्ता गोभी होता है, स्पिनाच होता है, मतलब पालक होता है, इसके साथ आप सब्जी बना के इसे खा सकते हैं। तो खाने के कई अलग अलग प्रकार हैं, आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, लेकिन आपको वेल कुक खाना है और हो सके तो ताजे फॉर्म में खाना है और लिमिटेड फॉर्म में खाना है। कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस फॉर्म में खाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देता है, कुछ ना कुछ नुकसान देता है। मार्केट में बहुत सस्ता मिल रहा है, इसलिए आप इसे डेली फॉर्म में खाओगे और बहुत सारा खाओगे तो ये डेफिनेटली आपको नुकसान कर सकता है। मे बी ये आपका गैस बढ़ा सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है, या ये आपका जो स्टमक पेन है इसको बढ़ा सकता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मटर के अंदर प्यूरिन होता है, और जब शरीर के अंदर प्यूरिन का जो कंटेंट अगर ज़्यादा जाता है तो ये हमारे यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है, और जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो जॉइंट्स है इसके अंदर पेन आना शुरू हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, यूरिक एसिड का लेवल लो रखने के लिए भी हमें इसे कम से कम खाना है। और ओवरऑल यही है कि डायबिटिक पेशेंट इसे खा सकता है, लेकिन लिमिट में खाना है। और अगर आपको स्पेसिफिक कुछ इशू है, हेल्थ इशू है, आपका डायबिटिक लेवल या शुगर लेवल बहुत ही प्लस माइनस है, बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, इमीडिएटली स्पाइक हो जाता है, तो हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद इसे ट्राई करें। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी।